आज हम देखेंगे पैकेट स्विच नेटवर्क वर्सेस सर्किट स्विच नेटवर्क। तो ये जो पैकेट स्विच नेटवर्क है और सर्किट स्विच नेटवर्क है, वो नेटवर्किंग में कहाँ यूज़ होता है और वो कैसे यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क एंड सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। तो पहले हम देखते हैं कि ये दोनों है क्या। तो जो डेटा ट्रांसफ़र मेथड है नेटवर्किंग में, मीन्स एक पीसी से अनदर पीसी आप डेटा ट्रांसमिट करते हो, तो उसके दो मेथड दिए गए हुए हैं। वो पहला है पैकेट स्विच नेटवर्क और सर्किट स्विच नेटवर्क। तो आज हम देखेंगे ये दोनों जो नेटवर्क हैं वो कैसे काम करते हैं वन बाय वन। चलो हम देखते हैं। पहला है पैकेट स्विच नेटवर्क। तो पैकेट स्विच नेटवर्क में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दो यूज़र हैं जो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर दो हैं जो एक दूसरी स्विच के साथ कनेक्टेड है। और आपको यहाँ पर डेटा फ्लो दिखाई दे रहा होगा। सपोज़ के ए पे से कोई ऑरेंज पैकेट भेज रहा है सी को, और सपोज़ बी को सेंड करना है डी को, जो भी आपका ब्लू पैकेट है। तो जो ब्लू पैकेट है वो एक साथ नहीं जा रहे, देखिए। लेकिन उसका मतलब क्या है कि सपोज़ जो भी नेटवर्क है हमारा, जो सर्किट क्या पैकेट जो ट्रांसफ़र होता है ओवर दी सर्किट, वो ऐसे काम करता है कि सपोज़ जब भी आप ए से कोई सी डेटा ट्रांसफ़र करोगे, तब वो सर्किट अपने आप अपना रूट आइडेंटिफाई करेगा, देन वो ट्रांसफ़र करेगा अपने डेस्टिनेशन को। तो इस तरह से जब भी यूज़र बी भी यूज़ करेगा जो सर्किट है अवेलेबल, उसमें जब भी डेटा ट्रांसफ़र करना होगा डी को, तो वो अपने हिसाब से वो आइडेंटिफाई करेगा रूट और अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ डेटा भेजेगा। और आगे हम देखते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क। तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा कि जो पैकेट स्विच नेटवर्क था हमारा, उसमें यहाँ से ऑरेंज पैकेट भी जा रहे थे और बी से डी जो ब्लू पैकेट है वो भी जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑरेंज पैकेट जा रहे हैं। मीन्स ये जो सर्किट स्विच और पैकेट स्विच का मेन डिफरेंस यही है कि सर्किट स्विच पे आप एक साथ एक ही सोर्स और एक ही डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। लाइक एज एग्जांपल दूँ तो आपको, जो लैंडलाइन फ़ोन है हमारा, तो एक से एक ही आपको कॉल जा रहा था, लेकिन उसमें आपको कुछ वेटिंग या कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सपोज पैकेट स्विच नेटवर्क हम कंपेयर करते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल में आप आउटगोइंग कर रहे हो, तो सपोज कोई कॉल कर रहा है तो आपको बैकग्राउंड में दिखेगा। तो यही मेन डिफरेंस है। देखो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, सपोज बी ट्रांसफ़र करना चाहता है डी को, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट की तो वहाँ से क्या मैसेज आया कि ये लाइन ऑलरेडी बिजी है। तो ये मेन डिफरेंस है सर्किट स्विच नेटवर्क और पैकेट स्विच नेटवर्क का। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और सर्किट स्विच नेटवर्क कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।